अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पेडिक्योर के बारे में बात करेंगे। घर बैठे आप पेडिक्योर कर सकते हैं, आपको किसी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है और हमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए, सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। पेडिक्योर करने से आपके घरेलू चीज़ों से आप पेडिक्योर कर जो करेंगे, इससे आपके पाँव गोरे, सफ़ेद, नरम, मुलायम और बहुत ज़बरदस्त स्किन हो जाएगी आपके पाँवों की। बहुत ही आसान नुस्खा है, मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करेंगे और ना ही वीडियो को लंबा करेंगे और आते हैं अपनी इन चीज़ों की तरफ। जो चीज़ें हमें चाहिए, सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1, शलजम के छिलके चाहिए हमें। दूसरे नंबर पर हमें 2 चम्मच शैम्पू चाहिए और 2 ही चम्मच हमें वैसलीन चाहिए। ये शलजम के छिलकों को हम उबाल लेंगे, इतना उबाल लेंगे कि इसका पानी का कलर चेंज हो जाए और नीला नीला सा पानी हो जाए। इसके अंदर अब हम 2 चम्मच शैम्पू के डाल लेंगे और शैम्पू झाग बनाने के लिए डालेंगे। इसके अंदर डालकर इसके अंदर नीम गर्म पानी आपने लेना है। इसके अंदर पाँव डालकर और जाली वाले कपड़े के साथ आप पाँवों को रगड़ना शुरू करें, पाँव साफ करने शुरू करें। जब ये तकरीबन 15 मिनट इसे पानी में रखें और साथ आप पाँवों को वाश करते जाएं और उसके बाद पाँव तौलिए से खुश कर इसके ऊपर आप वैसलीन लगा लें और जराबे पहन लें। सॉक्स आपने पहन लेनी है। इससे देखेंगे आपके पाँव गोरे, चिट्टे और नरम मुलायम हो जाएंगे। बिल्कुल किसी पार्लर से पेडिक्योर जैसे आप करवाते हैं उसी तरह हो जाएंगे। क्या आप हैरान रह जाएंगे कि इतना आसान और सस्ता नुस्खा। पार्लर पे जाके आप इतने हज़ारों लगाते हैं, इतने पैसे लगाते हैं और घर बैठे आपको इन 3 चीज़ों से वही रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।